नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत सिंह कुशवाहा, सहायक शिक्षक। मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय ठीक गाँव बुजुर्ग में विकासखंड गोगावा जिला खरगोन में पदस्थ हूँ। मेरा स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते यहाँ इसके आसपास के चार गाँव के बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। मेरी शाला में 130 की दर संख्या है और आपको ये मैं बता दूँ कि हमारे शाला में 130 की दर संख्या इसलिए भी है क्योंकि हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अधिकतम मेरी शाला में उपस्थित होते हैं। और ये भी बता दूं कि मेरी जो शाला है वो ठीकगांव में है और ठीकगांव में पहले से ही ऑलरेडी 4 प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उन 4 प्राइवेट स्कूल में लोग भर्ती न कराते हुए सिर्फ मेरे यहाँ स्कूल में भर्ती कराते हैं। कारण उसका है कि हमारे यहाँ परिवेश से जुड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं। अरविंदो सोसाइटी के संपर्क में आने के पश्चात जब मैंने शून्य नवाचार को की गतिविधि को देखा, सुना और बहुत सारे वीडियो को इनके जो चैनल पर देखा, बहुत सारे लोगों के द्वारा जब श्री अरविंद सोसाइटी से माध्यम से जो लाभ उठाया जा रहा था, मैंने भी उसी का प्रयोग करते हुए अपनी शाला में 0 बजट के नवाचार शुरू करे। परिणाम ये हुआ कि आज बच्चे जो है हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि स्कूल में सर कब आए और कुछ नया सर आज बताएंगे हमको, और वह निरंतर उपस्थिति हमारे यहाँ बहुत बढ़ते जा रही है। अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो रहा है। हमने हमारी शाला में नवाचार के तहत पहले 2017 में जब मेरे यहाँ पदस्थ हुआ था तो हमारे यहाँ एक भी पौधा या वृक्ष नहीं था, लेकिन आज देखिए आप हमारी शाला में कम से कम 300 से 400 वृक्षारोपण के माध्यम से हमने पौधे तैयार करे हैं और वो आज वृक्ष रूप ग्रहण कर रहे हैं। पशु पक्षी भी हमारे यहाँ आराम से आते हैं, देखते हैं। हमने कुछ नवाचार में हमारे यहाँ पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें हमने ग्रामीण से सहयोग लिया, लोगों से पुस्तकें प्राप्त की, हमने भी कुछ पुस्तकें प्रदान की और इसके कारण हमारे यहाँ का पुस्तकालय बहुत अच्छे तरीके से गतिमान हो रहा है। हमारे यहाँ योग शिक्षा के बारे में भी योग शिक्षा दिया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, यानी उन सब गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिससे हमारे यहाँ बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, शिक्षण भी अच्छा हो, पोषण भी अच्छा हो, सब प्रकार से हो, स्वस्थ और सुंदर रहें। शुभकामनाएं। जय।